देखो कैलाश नाथ कहाँ है, उन्हें जरा बुला लो, उन्हें थोड़ा काम समझा दो। अरे क्या बताए, खेतवा में काम करते रहे। देखो कैलाश नाथ, आपने मुझे बुलाया। हाँ कैलाश नाथ, मैं एक हफ्ते के लिए आसाम जा रहा हूँ। आप आसाम जा रहे हैं? हाँ कैलाश नाथ, और तुम आपसे खेतों पर काम करना, यानी तुम्हें काम नहीं बल्कि मजदूरों से काम करवाना है। और तुम दोपहर में खाना खाने घर को मत आना। अरे सेठ जी, तो क्या हम भूखे मरेंगे खेत में? नहीं नहीं कैलाश नाथ, तुम खेतों पर मजदूरों से काम करवाना, दोपहर का खाना बेटी वेणु लेकर तुम्हारे लिए आएगी। अरे सेठ जी, ये तो बहुत अच्छी बात है, अपना खेत भी काफी दूर है, अगर खेत में ही खाना पहुंच जाया करेगा तो काम भी हम ज्यादा करेंगे। हाँ दोस्त, तुम चिंता न करना कैलाश नाथ, तुम जा सकते हो और दोपहर में खाना बेटी रेणु लेकर आएगी। ठीक है सेठ जी, लेकिन आप आसाम जा रहे हैं, कब तक आओगे? अब एक दो हफ्ते जरूर लग जाएंगे, लेकिन कोशिश करना जल्दी से, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आ जाना। ठीक है कैलाश, राम राम सेठ जी। राम राम। अच्छा बेटिया, तुम मेरे लिए खाना जरूर लाना, नहीं तो मर जाऊंगा भूख से। अरे दोस्त, देखिए मेरे ट्रेन आने का समय हो चुका है। चलो हम तुमको स्टेशन पर छोड़ दो। ट्रेन चलो। मैं इसे करूंगी कि बहन ने तो खाना लेकर जाऊंगी और वहां पे ऐसे हो कैसे तुझको पुकारू के लिए आएंगे तो साथ में आएगा। हम आएंगे,
सभी ने दिया है। 500 रुपए से कुछ खर्चा बचता क्या? सबको से मिल जाएगा। नमस्कार। देखिए क्या हुआ, हमसे बात नहीं है, क्या बात है? अरे ये क्या कर रहा है? मेरी सूरत देख रहा है? भाई का चार ना करो। आखिर हुआ क्या है? तुम यार अपन काम करो, तुम करो। अच्छा तो ठीक है, मुझे भी तुम लोगों से बात करने का कोई शौक नहीं है, समझ गए? ठीक है, मैं तुम लोगों से भी बात सारी मुसीबत दोस्ती का नाता होगा। सही बात यार राखन भैया, ये बता हम लोग समय 4 बजे का इंतजार करते हैं, हमारे स्कूल में सरकारी में छुट्टी हो जाती, तुम्हारी प्राइवेट स्कूल में छुट्टी होती? बताओ, 2.5 घंटा हो गए इमाम साहब। पागल हो गए हो? मैं मर गया हूँ जो मेरा सहारा देख रहे हो, उसे सहारा कहते हैं। बात यह है कि हमारे पिताजी का सपना था कि राखन जब तू पढ़ लिख जाएगा तो कोई सरकारी नौकरी मिलेगी तुझे। यार आजकल ये सरकारी नौकरी कोई नहीं। और तुम मेरे हाल ही की रात देखते रहते, और जब मैं लेट हो जाता तुम लोग नाराज हो जाती हो। नाराज क्या, कोई पानी नहीं लड़की पटा रखा गया। हमारे पास बहुत सी खेती है तो, और बहुत सी हमारी, हाँ ये बात तो है, हमारे पिताजी ये कहते हैं कि हमारे पास बहुत सारी जमीन है। अरे बस करो यार, कुछ नहीं है तुम्हारे पिताजी के, कुछ नहीं है उनके लिए घर छोड़ पाए। अगर मेरा क्रोध कहीं मेरे साथ चल गया तो फाड़ कर फेंक दूंगा। मगर असलियत कहीं से ही तो लोग नाराज हो जाते हैं। लाखन भैया आज ये बात जो हम आपसे कहना चाहती थी मगर वो बहुत दिन पहले कहना चाहते थे, मगर आज कह रहा हूं कि तुम्हारे पिताजी सेठ गोपाल दास के यहाँ नौकरी करते हैं। क्या? हाँ हलवाई। फिर नौकरी करते हैं? महीने रोज का 20 रुपया पाते हैं। अगर लाखन भैया सारी दोपहर में वो काम करते हैं और तुम तेरे नाम निकाल लियो बस मास्टर हो गए, आज स्कूल के हाई क्लास मास्टर। अगर ये बात है तो मैं और अभी इसी वक्त जाकर पिताजी से मिलता हूँ। पिताजी से हम दोनों भाई के बारे में मत कहना कि हम दोनों भाई आपको बताएंगे। ठीक है, मैं तुम लोगों के बारे में नहीं कहूंगा सर, तुम लोग तो हमारे दोस्त हो, दोस्त नहीं बल्कि भाई की तरह।